हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक आपका दोस्त आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि क्या हम IMC या कार्प फैमिली के साथ, जैसे IMC में रोहू कतला मृगल, कार्प में ग्रास कार्प कॉमन कार्प सिल्वर कार्प के साथ क्या हम सिंगी मछली का पालन कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसकी डेंसिटी या क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। तो किसान भाई, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाई, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के छोटे से इंट्रो के बाद फिर आप सबको हम बताते हैं कि क्या IMC और कार्प के साथ सिंगी मछली का पालन किया जा सकता है। किसान भाई, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको हम बताते हैं कि क्या IMC और कार्प फैमिली के साथ सिंगी मछली का पालन किया जा सकता है। हाँ, IMC और कार्प फैमिली के साथ सिंगी मछली का पालन किया जा सकता है, क्योंकि सिंगी मछली जो है वो बॉटम लेयर की मछली है, देसी मछली है, कैटफिश फैमिली में आती है। जो सिंगी मछली है उनकी मूछें होती हैं, वो कैटफिश फैमिली में आती है। हालांकि आपको ये देखना है कि देखिए, IMC कार्प के साथ किसी भी मछली का पालन कर सकते हैं, उसके साथ फंगाइसिस भी कर सकते हैं, और भी कई जितनी भी प्रकार की मछलियां हो तो उनका भी पालन कर सकते हैं, मांसाहारी मछली का भी पालन कर सकते हैं। बस अब आपको ध्यान देना है कि क्या डेंसिटी रखनी है और बच्चे का क्या साइज रखना है, क्या क्वांटिटी रखनी है और किस साइज का बच्चा आपको किस समय डालना है। तो अगर राउंड फिगर में 1 एकड़ का तालाब है, आप IMC कार्प फुल डेंसिटी के साथ कर रहे हैं और उसमें आप सिंगी मछली पालन करना चाहते हैं, तो आप 1000-2000 पीस सिंगी मछली के बच्चे उसमें अलग से स्टॉक कर सकते हैं, जो आपको 6 महीने या 8 महीने पे 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम तक हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो किसान भाई, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको 100% सही समझ में आ गया होगा कि क्या हम IMC कार्प फैमिली के साथ सिंगी मछली का पालन कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से रिलेटेड नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।